जीएसटी के टैक्स रेट में बड़े बदलाव की जरूरत है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया का कहना है कि स्मॉल एंड मीडियम कारोबारियों पर टैक्स का बोझ घटाने की जरूरत है। अढ़िया का कहना है कि करीब एक दर्जन टैक्स को खत्म करने वाली प्रणाली जीएसटी को नॉर्मल होने में करीब एक साल का वक्त लग सकता है। जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक गुवाहाटी में 10 नवंबर को होने वाली है। करीब चार महीने पहले लागू हुई जीएसटी टैक्स प्रणाली से कुछ दिक्कतें हो रही हैं और कंप्लायंस इश्यू भी पैदा हो रहे हैं। हालांकि इन पर जीएसटी पर फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था जीएसटी काउंसिल लगातार फैसले ले रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने कहा है कि जीएसटी के टैक्स रेट में बदलाव की जरूरत है और कुछ और सुधार चाहिए और करीब चार महीने पहले जो लागू हुई है जीएसटी टैक्स प्रणाली उसमें दिक्कतें हो रही हैं, कंप्लायंस इश्यू भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनको दूर करने के लिए जीएसटी पर फैसला लेने वाली सर्वोच्च संस्था जीएसटी काउंसिल लगातार फैसले ले रही है। आलोक प्रियदर्शी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। आलोक, तो ये कहा जा सकता है कि सरकार फ्लेक्सिबल है। हसमुख अढ़िया ने भी साफ किया है कि जीएसटी में सुधार की जरूरत है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ओपन है इन सुधार के लिए, उन्होंने एक बार फिर से साफ किया है। बिल्कुल, देखिए जीएसटी के रेट्स को लेकर सरकार ने हमेशा ये कहा है कि लॉन्ग रन में बहुत संभव है कि जो रेट अभी बहुत सारे जो रेट्स हैं अभी जीएसटी के रेट्स पे, जैसे 0% से लेकर 3% गोल्ड पर, फिर 5%, फिर 12%, 18%, 28% और प्लस सेस, तो ये तमाम जितने रेट्स जो शुरुआती दौर में जीएसटी लागू करने के दौरान तय किए गए थे, इस रेट्स में कमी आने की पूरी गुंजाइश है। और जैसे जैसे जीएसटी आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी इन रेट्स में कमी आएगी, यानी कि रेट्स जो अभी 6-7 रेट्स कट स्लैब्स हैं उसमें भी कमी आएगी, और साथ ही साथ जो छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं, उनके लिए जो रेट्स हैं और रेट्स में जो पैरिटी अभी नहीं है, जो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग रेट्स हैं, उसको भी कहीं ना कहीं एक रूप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सरकार के सामने चुनौती यही थी कि जो रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू कलेक्शन अगर कह सकते हैं संतोषजनक रहता है तो उसके हिसाब से रेट में कटौती संभव है, क्योंकि सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिरकार कितना इनपुट क्रेडिट जाएगा, कितना उनके पास रेवेन्यू कलेक्शन जो पहले आता था जीएसटी के पहले जी, उतना आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि तमाम राज्यों को 5 साल के लिए 100% मुआवजा देने का भी संवैधानिक व्यवस्था की गई है इस जीएसटी कानून में, तो राज्यों को कितना पैसा देना होगा एज ए कंपनसेशन, क्या वो देने के बाद जितना पैसा बचेगा उससे क्या केंद्र सरकार की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, तो अभी सरकार इसका आकलन कर रही है। और अभी कहें तो 3 या 4 महीने का भी कुल मिलाकर 1 क्वार्टर का भी अगर पूरा देखें तो डाटा नहीं आया है जी, तो ऐसे में सरकार इस बात को लेकर पूरी ओपन माइंडेड है कि जो भी रेट्स होंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो उनको बदला भी जाएगा, कमी भी आएगी, और जीएसटी को और एक तरह से कह सकते हैं जो असल मायनों में जीएसटी है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और हसमुख अढ़िया ने साफ किया है कि कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा सब कुछ नॉर्मल होने में। बड़ी व्यवस्था है, बड़ा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, ऐसे में दिक्कतें आना लाजमी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ओपन है। जीएसटी काउंसिल तमाम सुधारों के साथ हर काउंसिल की बैठक में निर्णय ले रही है, फैसले ले रही है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सिस बैंक के दूसरे बैंकों के साथ मिलकर दिए गए लोन को रिजर्व बैंक द्वारा एनपीए की कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाने से बैंकिंग सेक्टर के कुल एनपीए में 40,000 करोड़ रुपए और जुड़ने का खतरा मंडरा रहा है। बैंकिंग सेक्टर पर अभी करीब 8,00,000 करोड़ रुपए का एनपीए है। 2016-17 के लिए शुरू की गई सालाना रिस्क बेस्ड सुपरविजन व्यवस्था के तहत रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की मार्च 2017 तक की रिपोर्ट में कुछ एसेट्स का रीक्लासिफिकेशन करने का निर्देश दिया है। इसमें एक्सिस बैंक को अपने 9 स्टैंडर्ड अकाउंट्स को एनपीए में रीक्लासिफाई करना होगा। इनमें से 8 लोन अकाउंट ऐसे हैं जिनमें कई बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा दिए गए लोन भी शामिल हैं। एक्सिस बैंक ने हाल ही में जारी अपने तिमाही नतीजे में इसकी घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने दावा किया था कि जून 2017 तक कंसोर्शियम में शामिल अधिकांश बैंकों ने इन खातों को स्टैंडर्ड एसेट के रूप में क्लासिफाई किया था। बैंक ने पूरा बकाया लोन का 6% एसेट को ही एनपीए में बताया था।